दोस्तों आज हमारे सामने है ये मारुति सुजुकी बलेनो, और ये आप देख सकते हैं ये आपका 2022 में जो मॉडल आया था वो है, और ये आपके 2023 में जो गाड़ी का व्यू है आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके का आपको मिलेगा और न्यू गाड़ी है आपकी, यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा वेरिएंट है, क्या फीचर्स हैं इसमें, क्या माइलेज मिलता है, वो सारा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग सबसे पहले अगर पहली बार चैनल पे आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं देखते हैं गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं, वो सारे हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। तो सामने आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का व्यू, ये आपको देखने को मिल जाता है। ये आपकी है मारुति सुजुकी बलेनो, और जो कि आपका न्यू मॉडल है 2023 में। अगर कोई आप लोग हैचबैक में गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप लोग इसको ले सकते हैं, मारुति सुजुकी बलेनो को। तो व्यू देख सकते हैं गाड़ी का, ये आपको मिल जाता है। और ये जो हमारा वेरियंट है मारुति बलेनो का, जीटा वेरियंट है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रोफाइल गाड़ी का ये आपको मिलता है। यहाँ पर एक्सटीरियर व्यू देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीरियर में हमको क्या देखने को मिलता है। तो ये है गाड़ी का पूरा प्रोफाइल यहाँ पर, और रियर व्यू इस तरीके का मिल जाता है। गाड़ी में आपको मिल जाएगा 1200 सीसी का इंजन आपको मिल जाता है, जिसमें आपको 22 केएमपीएल का माइलेज मिल जाएगा। और इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस आता है वो आपको बता देते हैं, 9,34,000 आपको ऑन रोड प्राइस आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये व्यू आपको एक्सटीरियर में मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए देखने को मिलता है फ्रंट में ग्रिल आपको ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये सुजुकी का क्रोम फिनिश में लोगो मिलता है, और यहाँ पर आता है क्रोम का वर्क जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए आता है ये बम्पर का लुक जो कि ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस जगह देखिए आपको प्रोजेक्टर में हेडलैम्प्स आपको मिलता है यहाँ पर, और एक आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा, तीन ये आपको LED में DRLs यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो ये आपको इस तरीके का लुक आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आता है यहाँ पर फॉग लैंप का ऑप्शन, क्रोम का वर्क आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। ये आएगा प्रोफाइल पूरा, और यहाँ से देख सकते हैं जो साइड प्रोफाइल है गाड़ी का, तो ये आता है यहाँ पर गाड़ी का साइड प्रोफाइल इस तरीके का। ये आपको देखिए यहाँ पर साइड में क्या देखने को मिलेगा, एलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, सिल्वर फिनिश में आपको मिलेंगे। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स यहाँ पर मिलता है। तो ये आता है, और अगर व्हील साइज की बात करें तो 16 इंचेस के व्हील आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। साइड में आता है देखिए ORVM जो कि आपको बॉडी कलर मिलता है, विद टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलेगा। और ये आपको देखिए यहाँ पे क्रोम का वर्क साइड में डोर में आपको पूरा देखने को यहाँ तक आपको मिल जाता है। और ये आता है यहाँ पे डोर हैंडल जो कि आपको क्रोम फिनिश में मिलता है, विद रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर ड्राइवर साइड में, और लेफ्ट साइड में आपको क्रोम का हैंडल यहाँ पर मिल जाता है। तो ये आएगा लुक। और आता है जो रियर का प्रोफाइल है यहाँ पर देख सकते हैं, ये आता है रियर व्यू। तो इस जगह आपको देखिए मिलेगा टेल लैंप यहाँ पर, ये यहाँ तक आपका ब्लिंक होता है। इस जगह टर्न इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लाइट मिलती है। और यहाँ पर गाड़ी में देखेंगे तो ये आता है क्रोम फिनिश का वर्क आपको यहाँ पर मिल जाता है। लेफ्ट साइड में बलेनो की बैजिंग आती है, और यहाँ पर सुजुकी का लोगो आपको मिल जाएगा बैक में। यहाँ पर देखिए 4 रिवर्स पार्किंग के सेंसर आपको गाड़ी में मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिलेंगे जो कि बोथ साइड में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा प्रोफाइल है। और यहाँ पर आता है फ्यूल लिड जो कि 37 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है यहाँ पर, गाड़ी का प्रोफाइल पूरा। अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के अंदर और जानते हैं इंटीरियर के फीचर्स हमको क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो व्यू है गाड़ी का देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा आता है। और 10 लाख के अंदर कोई भी आप लोग बेस्ट हैचबैक चाहते हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसमें आपको CNG वेरिएंट में मिलता है, तो वो भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये आता है ड्राइवर साइड का डोर जो कि आपको डुअल टोन में मिलेगा, ब्लैक फिनिश और ब्लू फिनिश आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये देख सकते हैं ब्लैक फिनिश है, ये ब्लू आपको यहाँ पर फाइबर मिलेगा। इस जगह आपको ये लेदर का वर्क आपको मिलता है इतना, ये भी आपको लेदर टच में मिलता है। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ये वर्क मिलेगा। यहाँ पर 4 पावर विंडोज़ आपको ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन मिलता है, लॉक अनलॉक की बटन है, यहाँ से ORVM ओपनिंग का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है, ऑटो फोल्ड फीचर। यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिलेगा, यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश का वर्क मिलता है। इस जगह देखिए बॉटल स्टोरेज है, यहाँ पर भी आपको स्टोरेज मिलता है, और इस जगह आपको मिलता है स्पीकर। टोटल 4 स्पीकर आपको गाड़ी में मिल जाते हैं। और ये आता है इंटीरियर का व्यू, यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक मिलेगा ये, यहाँ पर ट्विटर मिल जाता है। तो इंटीरियर का व्यू आपको यहाँ पर देख सकते हैं, लोग देखेंगे इंटीरियर का व्यू आपको ये मिल जाता है। और सीट्स हम लोग देखेंगे तो ये आपको मिलती हैं सॉफ्ट टच में सीट्स यहाँ पर। ये सीट देखिए इंक्लाइनेशन में फोल्डिंग है, यहाँ पे सीट फोल्डिंग का बटन आपको मिल जाता है। और ये आपको हेडरेस्ट हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट बोथ साइड में मिलते हैं, ये आपको सॉफ्ट टच में यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे क्या क्या मिलता है इंटीरियर में, बैठ के देखते हैं गाड़ी के अंदर और वो हम लोग चेक करते हैं व्यू पूरा क्या देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा स्टेयरिंग का व्यू, ब्लैक फिनिश में आपको मिल जाता है, और सुजुकी का क्रोम फिनिश में यहाँ पर लोगो मिलेगा। लेफ्ट साइड में वॉल्यूम के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। इस जगह देखिए यहाँ पर कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट फीचर, वॉइस कमांड भी आपको यहाँ पर मिलता है गाड़ी में। इस जगह ब्लैक फिनिश ही आपको देखने को मिलेगा, सिल्वर फिनिश इस जगह आपको मिल जाता है।
और देखिए यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में वाइपर्स के कंट्रोल मिलते हैं। सामने आपको मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में आरपीएम है, एमआईडी है, ट्रिप डिस्टेंस किलोमीटर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती है, और यहाँ पर 220 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड आपको मिल जाती है। ट्रिप रीसेट का बटन यहाँ पर मिलेगा, इसको राइट साइड में आपको बटन मिल जाता है, और राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर ग्रे फिनिश मिलेगा, ये पियानो ब्लैक फिनिश साइड में मिलता है आपको, और ये एसी का वेंट्स आपको मिल जाता है। यहाँ पे इंजन ऑटोमेटिक ऑफ का बटन है, यहाँ पे लाइट एडजस्टमेंट है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर आपको मिलता है, क्रोम साइड में आपको मिल जाएगा। और जो आता है स्टेयरिंग का कॉलम, देखिए टिल्ट में आपको स्टेयरिंग का कॉलम मिलता है, यहाँ से आप लोग एडजस्ट भी और टेलीस्कोपिक जो बोथ दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। डैशबोर्ड आपको ब्लैक फिनिश में मिल जाता है, और यहाँ पर आती है 7 इंच की टच स्क्रीन, यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले फीचर आपको मिलेगा। गाड़ी में देखते हैं हम लोग, एक कैमरा भी आपको देखने को मिलता है, तो रिवर्स गियर जैसे हम लोग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए रिवर्स पार्किंग का कैमरा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जो यहाँ पर दो एसी वेंट्स मिलेंगे, सिल्वर फिनिश मिलेगा, पार्किंग लाइट की बटन है, और ये आपको ग्रे फिनिश यहाँ पर आपको मिल जाता है वर्क। इस जगह देखिए आपको आ जाएगा, ये एसी के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश शाइनिंग आपको दिखेगी, ये मैनुअल बटन्स आपको इसके कंट्रोल को मिल जाएंगे, यहाँ पर भी आपको एसी ब्लोअर ऑन आपको बटन मिलता है, और ये आपका ब्लू कलर यहाँ पर मिलेगा। इस जगह देखेंगे हम लोग तो ये मिल जाता है ग्लव बॉक्स, यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा सा ग्लव बॉक्स है यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे तो एक आपको मिलेगा 12 वोल्ट का सॉकेट है, यूएसबी पॉइंट यहाँ पर राइट साइड मिलता है, यहाँ पर आपको मोबाइल स्टोरेज है, दो कप होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और ये आता है 5 गियर बॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेदर का कवर आपको यहाँ पर मिलता है, और ये आता है क्रोम फिनिश बटन के साथ में हैंड ब्रेक, और दो कीस आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, तो दोनों आपको पावर कीस यहाँ पे मिलेंगी, ब्लैक फिनिश में होंगी, और यहाँ पर लॉक अनलॉक का बटन आपको दो यहाँ पर मिलेंगे, तो इतना आएगा। आर्मरेस्ट देखिए आपको मिल जाता है एडजस्टेबल, और विथ स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इतना कुछ आपको मिलता है। और जी इंटीरियर का लुक है, अपर साइड में देखेंगे यहाँ पे सनवाइजर आपको मिलता है, लेफ्ट साइड में सनवाइजर है विथ वैनिटी मिरर आपको मिलता है, और यहाँ पर आपको देखिए मिलेगा एक IRVM मैनुअली एडजस्टेबल, यहाँ पर दो लैंप लाइट मिल जाएंगी, यहाँ पर देख सकते हैं ये लैंप लाइट मिलती हैं, माइक्रोफोन के कंट्रोल हैं इस जगह आपको मिलते हैं, तो ये आएगा। और लेफ्ट साइड में देखिए आपको ये आपको शॉर्ट फोल्डिंग के साथ में ग्रैब हैंडल मिल जाता है, तो इतना कुछ यहाँ पर मिलेगा। और इस जगह देखिए फुटरेस्ट में लेफ्ट साइड में ये आपके क्लच के यहाँ पर देखिए डेड पैडल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इस जगह आएंगे तो बोनट ओपनिंग का बटन है, फ्यूल लिड ओपनिंग का बटन यहाँ पर आपको मिलता है। ये है सारा लुक, यहाँ पर देख सकते हैं डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम है, ग्रे फिनिश यहाँ पर दो साइड में आपको देखने को मिलेगा। और अब हम लोग चलते हैं बैक में, चेक करते हैं गाड़ी का स्पेस हमको बैक में कितना देखने को मिल जाता है, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं, वो देखते हैं। और ये है बैक वाला डोर, और इसका व्यू देखेंगे तो ये आता है, देखिए बैक वाले डोर का व्यू आपको डुअल टोन में आपको मिलेगा, ब्लैक फिनिश और यहाँ पर ब्लू फिनिश आपको मिलता है, ये ब्लैक फिनिश है, ये ब्लू लेदर टच में आपको ये मिल जाता है यहाँ पर पूरा इतना भर, ग्रैब हैंडल ये मिलेगा, पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर शाइनिंग में आपको मिलता है, और ये आता है लॉक का बटन, इस जगह बॉटल स्टोरेज है, यहाँ पर स्पीकर है, और ये आता है इंटीरियर का व्यू, तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे इस जगह गाड़ी में, देखिए यहाँ पर क्वार्टर ग्लास छोटा सा आपको मिलता है, और इंटीरियर का व्यू है। सीट यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको मिल जाती है सॉफ्ट टच में सीट्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट बोथ साइड मिलेंगे, और 60-40 स्प्लिट कॉम्बिनेशन आपको बोथ साइड में मिलता है। बैठ के देखते हैं स्पेस चेक करेंगे गाड़ी में कितना हमको मिल जाता है, तो ये है देखिए यहाँ पर लेग रूम, बहुत ही अच्छा खासा लेग रूम मिलता है, कंफर्टेबली आराम से आप लोग यहाँ पर बैठ सकेंगे, यहाँ पर थाई रेस्ट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। और बैक में यहाँ पर आपको मिलेंगे दो एसी के वेंट्स, इस जगह देखिए दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, एक यूएसबी पॉइंट है, एक टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ पर मिलता है, मोबाइल स्टोरेज यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो ये है। और यहाँ पर देखिए एक लैंप लाइट आपको बैक में भी आपको मिल जाती है। गाड़ी में टोटल 6 एयरबैग मिलेंगे आपको जो सेफ्टी के लिए आपके रहते हैं, सॉफ्ट फोल्डिंग में ग्रैब हैंडल बोथ साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और बैक में एक मिलेगी आपको पार्सल ट्रे जो कि बड़ी सी है, इतना आपको मिलता है लुक यहाँ पर पूरा। और चलते हैं बैक में, चेक करते हैं गाड़ी का बूट स्पेस कितना है हमको वो देखने को मिल जाता है, वो चेक कर लेते हैं। तो जो प्रोफाइल है गाड़ी का ये आपको यहाँ पर पूरा देखने को मिलेगा, और ये आता है पूरा व्यू, चेक करते हैं बूट स्पेस, तो यहाँ से हम लोग बटन टच करेंगे। देखिए रियर में एक कैमरा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है गाड़ी में जो कि रिवर्स पार्किंग के लिए है, और बूट चेक करते हैं तो ये है आपका देखिए रियर प्रोफाइल, बूट ओपनिंग हो जाती है, और इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ से स्पेस कितना मिलता है, ये है इतना आपको 314 लीटर का बूट स्पेस है जो कि अच्छा खासा, दो ट्रॉली बैग आराम से आप लोग इसमें रख पाएंगे, इतना ज़्यादा आपको लगेज यहाँ पर कैरी करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये है पूरा प्रोफाइल गाड़ी का, और एक बार एक्सटीरियर व्यू देखते हैं गाड़ी का,
वो क्या देखने को मिलता है हमको, वो सारा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मिल जाएगा, और ये आता है गाड़ी का पूरा रियर जो फ्रंट व्यू है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी गाड़ी दिखती है। गाड़ी बहुत ही प्यारी है, बेस्ट हैचबैक कार है। तो अगर आप लोग गाड़ी लेना चाहते हैं तो मारुति सुजुकी केटीएल शोरूम अकबरपुर आकर गाड़ी को ले सकते हैं और देख सकते हैं। इंक्वायरी डिटेल्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, तो आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके के कार वीडियोस आपके इस चैनल पर मिलते रहेंगे, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और फिर आपसे मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर गाड़ी में देखते हैं हम लोग, एक कैमरा भी आपको देखने को मिलता है, तो रिवर्स गियर जैसे हम लोग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए रिवर्स पार्किंग का कैमरा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि आता है, इसका पूरा व्यू यहाँ पर मिलता है।